नमस्कार दोस्तों, राघव सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग नदियों की बात करेंगे। नदियां देखिए दो तरह की होती है वास्तव में, एक होती है पूर्ववर्ती नदियां, दूसरी होती है अध्यारोपी। जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं वो हिमालय के बनने से पहले बनी है, जबकि जो अध्यारोपित नदियां होती हैं वो हिमालय के निर्माण के बाद, तो ये अपने ढाल को काटते हुए आगे बढ़ती। अब ये जबकि पूर्ववर्ती नदियां हैं पहले के ढाल के अनुसार बहती। इसके अलावा अगर हम बात करें नदियों के अपरूप की, तो नदियों के कई अपरूप होते हैं। जैसे एक होता है वृक्षाकार। वृक्षाकार अपरूप में क्या होता है कि एक सहायक नदी होती है, एक मुख्य नदी होती है जिसे कहते हैं अनुवर्ती नदी। इसके अलावा एक होती है जो इसमें आगे मिलती है, एक सहायक नदी, उसे कहते हैं परिवर्ती। ये इसके दाहिने से भी और बाएं से भी आके मिल सकती है। ये दोनों नदियां होती है परिवर्ती। इस अनुवर्ती नदी, क्योंकि अनुवर्ती नदी मुख्य नदी होती है, ये ढाल का अनुसरण करते हुए बहती चलती है, तो इसे जो नदियां आके मिलती है सहायक नदियों में, एक को कहा जाता है परिवर्ती कहा जाता है। अब परिवर्ती नदी में ही कुछ नदियां अनुवर्ती नदी की तरह, मुख्य नदी की तरह, उसी डाल की तरह आगे मिलती हैं, इसे कहते हैं नवानुवर्ती। नवानुवर्ती नदियां अनुवर्ती नदी की तरह ही होती हैं और उसी की तरह डाल बनती है, लेकिन नई बनती है, इसलिए इन्हें नवानुवर्ती कहते हैं। इसके अलावा एक नदी ऐसी होती है जो अनुवर्ती नदी के विपरीत बनती है, उसे कहते हैं प्रत्यानुवर्ती। ये नदी अनुवर्ती नदी के विपरीत होती है, इन्हें प्रत्यानुवर्ती कहते हैं। ये कुल चार नदियां हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, अनुवर्ती, परिवर्ती, नवानुवर्ती और प्रत्यानुवर्ती। अनुवर्ती नदी जो है मुख्य नदी होती है, इसमें सहायक रूप में चाहे दाहिने से चाहे बाएं से नदियां मिलती है, उन्हें कहते हैं परिवर्ती नदी। परिवर्तन नदी में कभी अनुवर्ती नदी की तरह ही एक नई नदी आगे मिलती है, जो कि उसका ढाल अनुवर्ती नदी की तरह ही होता है, लेकिन नई होती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है नवानुवर्ती। इसके अलावा एक नदी इसके विपरीत आगे बढ़ती है, इसे कहते हैं प्रत्यानुवर्ती। नवानुवर्ती, प्रत्यानुवर्ती, परिवर्तन। ध्यान देखिएगा फिर से, ये अनुवर्ती नदी होती है, प्रमुख नदी, मुख्य नदी जो होती है, इसमें जो नदी आगे मिलती है चाहे दाएं से चाहे बाएं से, उन्हें कहते हैं परिवर्ती नदी। और जो नदी परिवर्ती नदी, ये देखिए कौन सी नदी है, परिवर्ती नदी है। अब इसमें नदी आगे मिल जा रही है, इसे कहेंगे नवानुवर्ती। और नीचे से एक आगे मिल जा रही है, उसे कहेंगे प्रत्यानुवर्ती। फिर इसमें एक आगे मिल गई परिवर्ती, इधर से मिले परिवर्ती, ऊपर से मिलेंगी नवानुवर्ती, नीचे से मिली प्रत्यानुवर्ती। इस तरह से ये श्रृंखला सी बन जाती है। इसी ऐसी नदियों को प्रतिरूप को कहा जाता है वृक्षाकार। ऐसे प्रतिरूप मैदानी क्षेत्रों में नदियों ने अक्सर समानांतर प्रतिरूप नदियां एक तरह एक दिशा में बहती चली जाती हैं। इसमें आप देखेंगे एक समान ढाल का अनुकरण करते हुए नदियां आगे बढ़ती हैं, समान दूरी पर भी होती हैं। इसके अलावा होता है आयताकार प्रतिरूप, कुछ आयताकार भी आकृति बनती है, नदियां ऐसे बीच में ढाल से ऐसे मिलती हैं। काफी महत्वपूर्ण होता है चौथा अभिसारी प्रतिरूप। अभिसारी प्रतिरूप जो होता है, कोई झील होती है, उस झील में आके नदियां कोई आके मिल जाती है, उनका स्रोत कई जगह होता है लेकिन उनका मुहाना जो है एक हो जाता है, ये नदियां आके कहीं झील में मिल सकती है। ऐसा प्रतिरूप हमको अक्सर ऑस्ट्रेलिया में आयर झील में मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में इस तरह नदियों का प्रतिरूप देखा जाता है आयर झील के समीप, जहां पे कई नदियां आके मिलती हैं आयर झील में। अभिसारी प्रतिरूप, अभिसारी प्रतिरूप क्या होता है कि जो एक स्रोत होता है उस स्रोत से कई नदियां निकल के दूर जाती हैं। ऐसा प्रतिरूप आपको हमें दिखाई देता है अमरकंटक। अमरकंटक के समीप वहां से कई नदियां, नर्मदा, महानदी, सोन नदियां आगे निकलती है, इस तरह के प्रतिरूप होता है।
एक प्रतिरूप और होता है अंतिम प्रतिरूप अरि प्रतिरूप, जैसे एक तरह से हड्डियों की तरह होता है, हड्डियों में जैसे साचा होता है हमारे बैकबोन में, उस तरह से प्रतिरूप दिखाई देता है। पहाड़ों में एक नदी निकलती है और उनमें कई नदियां आगे मिल जाती है, ऐसा प्रतिरूप को कहते हैं अरि। देखिए अब हम बात करते हैं नदियों से संबंधित जो प्रश्न होते हैं किस तरह के आते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि इस नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो कहां से उद्गमित होती है। इस नदी संबंधित जो दर्रे हैं, जैसे आपकी सिंधु नदी है तो जालना दर्रा है, ब्रह्मपुत्र नदी है या ज्ञात दर्रा है, ऐसे ही। इसके अलावा नदियों किनारे बसे शहर कौन कौन शहर जो है नदी किनारे बसे हुए हैं, जैसे सूरत हो चाहे राघाव हो, प्रमुख परियोजनाएं नदियों पर बांध बनाकर इनसे ऊंचाई पर पानी गिराया जाता है, ऊंचाई से टरबाइन लगाकर कई जगह बिजली बनाई जाती है। ऐसी परियोजनाएं कई नदियों पे, तो प्रमुख परियोजनाएं के नाम देखेंगे। समुद्र में नदी कहाँ गिरती है, किस स्थान पे गिरती है, बंगाल खाड़ी में गिरती है कि अरब सागर में गिरती है, क्योंकि भारत में दो तरह के समुद्र क्षेत्र है जहां नदियां गिरती है, बंगाली खाड़ी और अरब सागर। नदियां की दिशा कैसी होती है, वो पूर्व से पश्चिम बह रही है, पश्चिम से पूर्व बह रही है, उत्तर दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है। अब हम बात करते हैं कि भारत में नदियां हैं तो प्रमुख रूप से उनको दो भागों बांटा गया है। पहला है प्रायद्वीपीय नदियां और एक है हिमालय। तो जो हिमालय नदियां होती हैं ये बारहमासी क्यों है, क्योंकि इनका जो स्रोत है वो बर्फ के पिघलने से होता है, बर्फ के पिघलने से इन नदियों को जल प्राप्त होता है, इस कारण से ये नदियां बारह महीने जल प्राप्त करती है। इसके अलावा जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो नदियां मौसमी होती है, क्यों, क्योंकि इनका कोई अस्थायी स्रोत नहीं है, जब वर्षा का जल होता है, जब बारिश होती है तभी इनको जल प्राप्त होता है, इस कारण से नदियां मौसमी है। हमारी नदियां मैदानी क्षेत्रों से गुजरती हैं, ज्यादातर इनका जो रास्ता है पथ है वो पथरीला जा रहा है, इस कारण से इनमें जो है मैदानी क्षेत्र होने के कारण इनमें अवसादों की मात्रा ज्यादा होती है, और पथरीला रास्ता होने के कारण पथों के कारण इनमें अवसादों की मात्रा। हिमालय नदियां ज्यादा लंबी है, क्योंकि हिमालय से चाहे बंगाल खाड़ी में गिरे चाहे अरब सागर में गिरे रास्ता बहुत लंबा हो जाता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां ये कम लंबी। हिमालय नदियां विसर्ग बनाती है, विसर्ग क्या होता है, नदियों का मुड़ान होता है, जैसे नदी जा रही है सरसों होती है, इसे विसर्ग कहते हैं, कभी कभी रास्ते में पीलाकार हो जाता है, ये जो है ये रास्ता जो होता है इसे विसर्ग कहा जाता है, से कटाव होता है बढ़ता रहता है, और प्रायद्वीपीय नदियां अक्सर जो है सीधा रास्ता होता है, सीधे रास्ते पर। तो ये कुछ प्रमुख खूबियां थी। अब हम बात करेंगे किसी प्रमुख नदी की। इसके अलावा मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, देखिएगा नदियों का बेसिन क्या होता है, जैसे कोई नदी होती है इसका जो अपवाद क्षेत्र होता है इसमें कई नदियां आगे मिलती हैं, अब ये पूरे क्षेत्र का जल ग्रहण करती है और इनको ले जाकर एक किसी समुद्र में गिराती है, तो ये जो पूरा क्षेत्र होता है ये इनका नदी बेसिन है, जिसको ज्यादा नदी होता है, क्योंकि हम कई नदी बेसिन की बात करेंगे, सिंधु नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। देखिएगा जैसा कि आप देख रहे हैं भारत का मैप है, इसके इधर पश्चिम में उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, उत्तर में अफगानिस्तान, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल, पूर्वोत्तर में भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पश्चिम में श्रीलंका और मालदीव। देखिएगा चीन में ही एक देश आज का स्वायत्त देश है, इसका नाम है तिब्बत,
तिब्बत में दो महत्वपूर्ण झीलें हैं, झील है जिनमें एक का नाम है मानसरोवर और दूसरा का नाम है राघा। मानसरोवर झील भौगोलिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से निकलने वाली नदियां भारत में जाती हैं, भारत से होते हुए पाकिस्तान, इधर चीन, भारत, बांग्लादेश। सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, तीन नदियां यहां से निकलती मानसरोवर समीप से। अगर हम बात करें सिंधु नदी अपवाह क्षेत्र का तो देखिएगा एक ही नदी हम देखेंगे। सिंधु नदी में सिंधु कई सहायक नदियां हैं, जैसे आप देखिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, बीच में एक ब्यास भी आती है सहायक रूप में सतलज की। ये नदियां अगर हम देखें उत्तर से दक्षिण क्रम में ये नदियां आपको मिलेंगी। आइए हम बात करते हैं पहले मानसरोवर, यहां मानसरोवर झील के पास चलते हैं और देखते हैं पर सिंधु नदी। देखिए जो सिंधु नदी है ये मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील तिब्बत में है। तिब्बत वर्तमान में चीन के कब्जे में है और इसकी राजधानी है ल्हासा। ल्हासा तिब्बत की राजधानी है। मानसरोवर झील से निकलने के बाद सिंधु नदी भारत में जम्मू कश्मीर प्रवेश करती है जारावा दर्रे से होते हुए। जो जारावा दर्रा है इसे सिंधु नदी का प्रवेश द्वार कहते हैं। आगे बढ़ती है तो इसमें चार नदी दाहिनी ओर से मिलती है श्योक और बाईं ओर से मिलती है जास। ये दोनों नदियां सिंधु नदी में मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे तो भारत में ही जम्मू कश्मीर में दाहिनी ओर से इसमें गिलगित नदी मिलती है। इसके बाद ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है जहां से काबुल से आने वाली काबुल नदी इसमें मिलती है और ये नदी आगे बढ़ते हुए अरब सागर में गिर जाती है, मुल्तान होते हुए अक्सर जाती है और अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं जिनमें पहली है झेलम। झेलम नदी की बात करें ऐतिहासिक रूप से इसका बहुत महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में इसे झेलम नदी को वितस्ता कहते हैं। इसका उद्गम जम्मू कश्मीर में ही अनंतनाग जिले के पास शेषनाग झील हवेली नामक स्थान से होता है उद्गम इनका। जब ये नदी आगे बढ़ती है इस नदी में डल झील, बुलर झील नामक दो मीठे झीले स्थित हैं, ताजे पानी की झील है। उलर झील को भारत की सबसे बड़ी झील भी माना जाता है। ये भारत की सबसे बड़ी झील। लेकिन मीठे पानी, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है उलर झील। आगे बढ़ते हैं झील नदी तो ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान या भारत और पाकिस्तान का सीमा रेखा निर्धारण करते हुए आगे बढ़ती है। यहाँ पे उत्तर में मुजफ्फराबाद और दक्षिण में मीरपुर स्थित है। मीरपुर के बाद ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाए और जाके मुल्तान के समीप सिंधु नदी में जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण नदी इसकी है सिंधु सहायक नदियों में चेनाब नदी। चेनाब नदी चंद्र और भागा नामक दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। ये बारह लाचाला दर्रे से होते हुए आगे बढ़ती है और जम्मू कश्मीर में इसपे दो शहर स्थित हैं, एक का नाम है किश्तवाड़ और दूसरा नाम है अखनूर। किश्तवाड़ और अखनूर से आगे बढ़ते हुए ये नदी ली जाती है पाकिस्तान में और पाकिस्तान में झेलम नदी मिल जाती है। चिनाब नदी झेलम नदी में मिल जाती। दूसरी नदी है रावी। रावी नदी बीस सिंध नदी की सहायक नदी है। इनका उद्गम हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू की पहाड़ी है उसी के समीप से होता है। यह रोहतांग दर्रे से होते हुए आगे बढ़ती है तो जब आगे बढ़ती है तो
इनके दक्षिण में धौलाधर की पहाड़ियां हैं, जबकि इनके उत्तर में पीर पंजाल की पहाड़ियां। क्वेश्चन आया हुआ है कि पीर रावी नदी पीर पंजाल के उत्तर से बहती है कि दक्षिण से। तो आप चित्र को देखेंगे ध्यान से पता चलेगा रावी नदी पीर पंजाल के दक्षिण से और धौलाधर के उत्तर से। आगे बढ़ते हुए ये धौलाधर को और यहाँ पे धौलाधर की पहाड़ियों को आगे बढ़ते हुए काटते हुए आगे बढ़ती हैं और जाके चिनाब में मिल जाती है। चिनाब नदी पाकिस्तान में यहाँ पे जो जगह है मुल्तान के समीप। अगली नदी जो प्रमुख है वो है सतलज। सतलज नदी का उद्गम जो है तिब्बत में लाकाज झील से मानते हैं, कुछ लोग इसको मानसरोवर झील भी कहते हैं मानते हैं इसका उद्गम, क्योंकि वास्तव में लाकाज झील से निकलती है। ये नदी तिब्बत के बाद भारत में प्रवेश करती है, भारत में हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश में जिस दर्रे से प्रवेश करती है उसको कहते हैं सिपकिया। सिपकिया दर्रा जो है सतलज नदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इसके बाद ये नदी हिमाचल प्रदेश की आगे बढ़ती है, पंजाब हिमाचल प्रदेश की सीमा पर एक झील कृत्रिम झील है जिसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है भाखड़ा नांगर परियोजना। भाखड़ा नांगर परियोजना ये जो है जब तक सरदार सरोवर बांध नहीं बना था भारत का सबसे ऊंचा बांध हुआ। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य राजस्थान भी है, पंजाब है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कई राज्य से लाभान्वित होते हैं, क्योंकि जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं वहां से बिजली और सिंचाई दोनों सुविधाएं। इसके बाद ये नदी आगे बढ़ती है जब तो पंजाब में कपूरथला के समीप एक जगह हरके बैराज है, वहां पे ब्यास नदी आके सतलज नदी में मिलती है। ब्यास नदी का उद्गम कुल्लू पहाड़ी के समीप रोहतांग दर्रे के पास होता है और कपूरथला में यह नदी हरके बैराज नामक स्थान पर सतलज मिलती है। इस हरके बैराज नामक स्थान से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, बनाया गया है, जिससे राजस्थान जैसा मरुस्थलीय राज्य अब सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर। हरके बैराज के बाद ये नदी आगे बढ़ती है और फजिलका नामक स्थान के बाद फजिलका अंतिम स्थान है, इसके बाद ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में ये पहले सबसे पहले मिलती है चेनाब नदी में। इसके बाद ये सारी नदियां जाके सतलज पहले मिलेंगी, उसके बाद सतलज झेलम में सारी नदियां झेलम मिलती हैं और उसके बाद झेलम नदी जाके सिंध नदी में मिलती है और ये पूरा जल अरब सागर में। ये पूरे क्षेत्र को ही सिंध नदी बेसिन कहा जाता है, सिंध नदी बेसिन, क्योंकि इनका पूरा जल जिनका अपवाहित होने वाला जल है एक साथ मिलकर सिंध नदी झेलम नदी के साथ अरब सागर में।